ओम शांति। आपको आपके ही चैनल सत्य को पहचाने। सत्य हमारे अंदर ही है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। तो इस बात को आगे ले जाएं। आज हमारा चौथा दिन है और आज का वरदान जो परमपिता परमात्मा ने आज हमें सुबह सुबह दिया है, जिससे हमारा सारा दिन शक्तिशाली बन जाता है और सारी जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी दुविधाएं आती हैं, उन सबको हम फेस कर पाते हैं। तो आज परमपिता परमात्मा ने कहा है वरदान में, ड्रामा की ढाल को सामने रख, ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। सो इसमें कुछ शब्द हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। ड्रामा की ढाल, खुशी की खुराक और सदा शक्तिशाली भव। विस्तार में जाते हैं। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जिस तरीके से खुराक की बात करते हैं हम अपने खाने के लिए, भोजन के लिए करते हैं कि हमारे उसमें विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, उसी तरीके से आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए खुशी। अब खुशी तो उन चीज़ों से मिल नहीं सकती, चीज़ें खरीद करके और ज़्यादा खाना खाने से तो मिल नहीं सकती खुशियाँ, राइट? तो किस टाइप की खुशी? तो परमात्मा कहते हैं कि खुशी मुझको याद करने से आती है। परमपिता परमात्मा, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, अपने आप को आत्मा समझ, बिंदु शरीर में यहाँ बैठी आत्मा, और परमपिता परमात्मा को परम धाम में याद करना, जिसको हम राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कहते हैं, ताकि जितने भी परमात्मा की शक्तियाँ हैं, उनके सारे गुण हैं, क्योंकि परमात्मा शक्तियों के गुणों के सागर हैं, तो सारी शक्तियों सारे गुण हमारे अंदर भरने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, आस्ते आस्ते। टाइम लगता है लेकिन मेडिटेशन करते करते होता है। तो उससे हमें खुशी भी मिलती है, क्योंकि गुण और शक्ति ही खुशी है। अवगुण और शक्तिहीन होना ही दुखी होना है। तो हमारे जीवन में अगर हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है, तो हमारे अंदर परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा के गुण और परमात्मा का ज्ञान अगर आता जाए हर दिन, तो हमारी खुशियाँ और बढ़ती जाएंगी। सो खुशी जैसी खुराक नहीं, है ना? खुशी है तो तन भी तंदुरुस्त है और मन तो है ही तंदुरुस्त। तो मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, तन तंदुरुस्त तो मन तंदुरुस्त। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लाओ। अब ड्रामा क्या है? हम सब जानते हैं कि हम इस दुनिया में एक एक्टर बन करके आए हैं, अभिनेता हैं, है ना? लेके तो कुछ आए नहीं थे और लेके भी कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन क्या है, ये शरीर रूपी जो चोला है उसको पहन करके हम अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, मतलब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई माता का रोल अदा कर रहा है, कोई पिता का रोल अदा कर रहा है ना, कोई भाई का रोल अदा कर रहा है, कोई बहन का रोल अदा कर रहा है। तो हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो अब ये रोल अदा करते करते कभी क्या होता है कि हमने जो अपने पिछले जन्मों के कर्म किए हैं, या कुछ दिन पहले ही हमने कुछ अच्छा या बुरा किया हो, किसी के साथ में अच्छा बोला हो या बुरा बोला हो, तो वो हमने जो ऊर्जा इस संसार में भेजी है या उस व्यक्ति को दी है, वो ऊर्जा किसी न किसी तरीके से वापस तो आनी ही है। तो जब वो ऊर्जा आती है वापस हमारे पास में, अच्छे कर्मों की या बुरे कर्मों की, तो उस समय हम हलचल में आएं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, वो भी ना हो, तो उस समय हमें ड्रामा याद हो, है ना? कि ड्रामा फिक्स्ड है। जैसे हम एक सीडी पर या कैसेट के ऊपर जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, करते थे, तो उस समय कभी कभी ऐसा होता था कुछ सीडीज़ के ऊपर हम रिकॉर्डिंग फिर से नहीं कर सकते थे, वो फिक्स्ड होती थी, उनको हम मिटा नहीं सकते थे। उसी तरीके से आत्मा के अंदर जो पार्ट है, जो हमारे थॉट्स चलते हैं, संकल्प चलते हैं, वो भी फिक्स्ड है, वो हमारे कर्मों के अनुसार है। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो हमारे संकल्प भी अच्छे चलते हैं, अगर हमने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो हमारे संकल्प भी अपवित्र अशुद्ध चलते हैं, है ना? या वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो भी सब ड्रामा हुआ। बात इसी पे आती है कि ज्ञान होना और ज्ञान ना होना। तो ज्ञान है तो शुद्ध संकल्प, पवित्र सोच, पवित्र कर्म। ज्ञान की कमी होना मतलब कि अपवित्र संकल्प, अपवित्र सोच और अशुद्ध संकल्प, है ना? तो बाबा कहते हैं इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। अच्छा, यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। तो मुरझाहट क्यों आती है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ में,
ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों बोला उसने, मैंने तो कुछ किया नहीं था उसके साथ में कभी, इस जीवन काल में तो कभी मिला भी नहीं उसको मैं, उस व्यक्ति को, लेकिन मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देख करके इस ड्रामा को समझना ज़रूरी है ना। जैसे कोई भी मूवी की शुरुआत होती है, फिर मध्य का टाइम इंटरवल आता है, उसके बाद में अंत होता है, उसी तरीके से हम आत्माओं का भी इस धरती पर आने का समय, इस धरती पर समय व्यतीत करना और अंतिम जन्म के बाद में फिर से परम धाम लौटना, तो ये एक ड्रामा हो गया। तो इस जीवन काल में हमने कई जन्मों में कई कर्म किए हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है उन कर्मों का, तो उस समय ड्रामा इस्तेमाल करना। तो यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते, है ना। अगर हमें पेपर पता होता है कि ये पेपर आने वाला है, मैंने ये कर्म किया है तो इस कर्म का मेरे को फल मिलने वाला है, मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पिछले जन्मों में इस्तेमाल किया है जिसको मुझे फेस करना ही है, किसी के साथ क्रोध किया था पिछले जन्म में उसका मुझे फल मिलना ही है, अहंकार दिखाया था किसी को तो उस आत्मा ने आके मुझको नीचा दिखाना ही है। तो ये जब मुझे याद रहता है ना, तो फिर क्या होता है उससे, मुझे क्या होता है, मेरी खुशी कम नहीं होती, मैं मुरझाहट में नहीं आती आत्मा, खुशी गायब हो नहीं सकती क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। तो अब अकल्याण, किसी ने आके कुछ बुरा बोल दिया तो उस समय हमें ये याद रखना है कि हमने शायद से कुछ पिछले जन्मों में कुछ किया था उस आत्मा के साथ में, जिस कारण से वो आत्मा आकर मुझे वही शब्दों को इस्तेमाल करके मुझे दुख देने की कोशिश कर रही है। तो जब ये याद रहता है तो मुझे ये समझ आता है कि इस अकल्याण में भी मेरे लिए कुछ सीख है, अब मैं गुणों को यूज़ करके, शक्तियों को इस्तेमाल करके मैं फिर अपने कर्मों को अच्छा कर दूँ, उस आत्मा के साथ में जो मैंने बिगाड़ा था कर्म, उस आत्मा के साथ में जो मैंने अपवित्र कर्म किए थे उसको मैं सुधार लूँ परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, तो मैं अपने भविष्य के कर्मों को सुनहरा बना सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। तो ये एक आत्मा की शक्ति है। तो उस समय का जो अकल्याण दिख रहा है उस अकल्याण को भी मैं कल्याणकारी बना दूं आत्मा। कभी कभी होता है कि हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं लेकिन वो नौकरी में हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि आप इसके लायक नहीं है, हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम गुण से भरे हों, शक्तियों से भरे हों, तो हमें उस समय याद आएगा ड्रामा कि मेरे लिए कुछ भविष्य में और खूबसूरत वेट कर रहा है, क्यों ना मैं उसके लिए प्रतीक्षा करूं और अपने गुणों को बढ़ाते रहूं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहूं, मेडिटेशन करते रहूं और अपने आप को लायक बनाते रहूं। तो इसी के साथ में फिर परमात्मा कहते हैं कि खुशी गायब हो नहीं सकती क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। अब कभी कभी हम किसी जगह पर लेट पहुंचते हैं और फिर जाके पता चलता है कि बॉस ने मुझे डांट दिया, फिर जब घर जाते हैं तो एक हमारा दोस्त हमें फ़ोन करता है और कहता है कि अरे तुम बच गए, आज तुम उस रास्ते से अगर आए होते या उस समय उस रास्ते से गुजरे होते तो तुम्हारा पक्का एक्सीडेंट होता। कभी कभी फ्लाइट छूट जाती है, फिर पता चलता है कि फ्लाइट तो क्या हो गई, क्रैश हो गई। होती हैं सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने भाग्य अनुसार, अपने कर्म अनुसार, है ना। तो कभी कभी अकल्याण में भी क्या है, कल्याण देखना चाहिए, इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप वो पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वरदान कुछ समझ आया, बहुत सुंदर लगा, तो आप इसको शेयर करें, औरों के जीवन में भी वरदानों की बरसात हो आपके कारण, ये भी आपके एक शुभ कर्म में आ जाएगा। और इसके साथ ओम शांति, आपका दिन शुभ हो और शक्तिशाली हो। फिर मिलेंगे कल।